कौन था करीम लाला? रॉकी के अलावा कितने डॉन 1970 में मुंबई में थे? करीम लाला कैसे मिला हाजी मस्तान से? केजीएफ फ्रेंचाइजी की जो एक गैंगस्टर उर्फ मॉन्स्टर की लाइफ को दिखाती है कि कैसे रॉकी ने मुंबई पर फिर केजीएफ पर अपना कब्जा किया। भले ही ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन ऐसी कई स्टोरीज भी हैं जिसमें 1960 टू 1983 तक मुंबई में सिर्फ डॉन्स का ही राज था। तो आज आपको एक ऐसे ही डॉन उर्फ गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, अब्दुल करीम खान शेर खान उर्फ करीम लाला। मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो नाम जिससे हर कोई वाकिफ था। 1960 के दशक में मुंबई में उसके नाम से लोग कांपते थे, और अब इस खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर की मौत के लगभग दो दशक बाद इसके नाम ने फिर विवाद खड़ा कर दिया है। सांसद संजय राउत ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दक्षिण मुंबई के पिधौनी में करीम लाला से मिला करती थी। मुंबई का ये डॉन लाला कैसे इतना पावरफुल बना और सपनों के शहर माने जाने वाले मुंबई में उसने कैसे राज किया? बता दें, अफगानिस्तान में कुनार प्रांत के रहने वाले करीम खान का जन्म 1911 में हुआ था। ये साफ नहीं है कि वो किस साल मुंबई आया था। कहा जाता है कि वो 1930 दशक के आखिर और 1940 दशक के शुरू में पेशावर से मुंबई पहुंचा था, और हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई सिक्स डिकेड्स ऑफ मुंबई के मुताबिक 7 फीट लंबे पाश्तून करीम खान ने अपने करियर की शुरुआत डॉक में काम करके की थी। और दक्षिण मुंबई में जुए का एक अड्डा खोलने के बाद करीम खान मुंबई की इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बना। धंधे की मांग ने उसे सूदखोर बना दिया था। जुआ खेलने आने वाले वो ब्याज पर पैसे देने लगा, और इस तरह करीम खान का नाम बदलकर करीम लाला हो गया। 1950 और 60 के दशक में लाला ने जबरन वसूली, शराब की तस्करी और किराएदारों को बेदखल करने, सोने की तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के बीच धीरे धीरे अपना कारोबार फैलाया। करीम लाला पैसा लेकर अलग अलग पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने का भी काम करने लगा, और दक्षिण बंबई में पठानों की बड़ी संख्या और उसके नेता के रूप में लाला के साथ पठान गिरोह काफी मजबूत हो गया। और 1970 के दशक के आसपास करीम लाला हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार के साथ आ गया। तमिलनाडु से आने वाला वरदराजन ने हाजी मस्तान की मदद से अवैध शराब बेची और कई जुए के अड्डे खोले और डॉक कार्गों की चोरी भी की। धारावी और सायन कोलीवाड़ी जैसे क्षेत्रों में वो बड़ा नाम बन गया था। वहीं करीम लाला पिधोनी, नागपाड़ा, कमाटीपुरा और नागदा जैसी दक्षिण बम्बई के इलाकों में अपना धंधा करता था। लाला ने प्रॉफिट के बदले तस्करी के सामान की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पर हाजी मस्तान के साथ काम करने का फैसला किया। कमाठीपुरा से आपको गंगूबाई तो याद आई होगी, जिसमें गंगूबाई की मदद अजय उर्फ करीम लाला करता है, तो वो करीम लाला यही था। जैसे कि हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई सिक्स डिकेड्स ऑफ मुंबई माफिया में लिखा है, तीनों ने एक तरह से 1970 और 1980 के बीच मुंबई पर राज किया। अपने अवैध धंधों के अलावा करीम लाला के तीन वैध बिजनेस भी थे। उसके पास दो होटल, अल करीम होटल और न्यू इंडिया होटल थे। इतना ही नहीं, उसके पास न्यू इंडिया टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की एक ट्रैवल और पासपोर्ट एजेंसी भी थी। 1960 में खुदाई खिदमतगर और पख्तूनिस्तान जिगर ए हिंद संगठनों को शुरू करने के बाद उसका राजनीति में दबदबा बढ़ा। इन संगठनों की शुरुआत उसने पठानों को काम दिलवाने के लिए की थी। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे गैंगस्टर्स के उदय के साथ ही लाला की शख्सियत फीकी पड़ने लगी। 20 फरवरी 2002 को दिल का दौरा पड़ने से करीम लाला की मौत हो गई।
लेकिन करीम लाला का शराब का काम चलता रहा क्योंकि गंगूबाई के साथ वो हाथ था और बाकी कामों को हाजी मस्तान और उनकी गैंग ने आगे बढ़ाया। उस समय के मुंबई के डॉन की बात करने जाएं तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ने की लगती है क्योंकि मुंबई पैसे पर टिका है और पैसा सिर्फ लीगल काम से नहीं आता। इसलिए अगर मुंबई सपनों का शहर है तो इसकी एक साइड मुंबई इलीगल काम की एक मजबूत कड़ी है। आप पूरे दुनिया जहां में कोई भी इलीगल काम करो उसकी कड़ी किसी ना किसी तरह मुंबई से जुड़ ही जाएगी। क्योंकि करीम लाला सोने की तस्करी भी करता था लेकिन उस पर उसकी उतनी अच्छी कमांड नहीं थी जितना कि शराब में थी। इसलिए सोने की तस्करी के लिए एक अलग डॉन निकला जो था राउडी थंगम, जिस पर रॉकिंग स्टार की कहानी को कई हद तक रखा गया था। प्रशांत नील जैसे तो KGF 3 के साथ डॉन का यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं जहां हर एक चीज की स्मगलिंग होती है। फिल्म में ऐसे दिखाया जा सकता है कि हर डॉन या गैंगस्टर आपस में जुड़ा है। मुंबई या सरकार के पास जितना भी पैसा फंड में आ रहा है वो सिर्फ डॉन की साइड से आ रहा है, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों मजे से चल रही है। तो अगर ये डॉन्स का एनकाउंटर होता है तो देश की इकोनॉमी भी गिरेगी जो सरकार के लिए खतरे की घंटी है। तो क्या ऐसे ही फिल्म में रॉकी का एनकाउंटर देश के लिए खतरा है और क्या मुंबई पर कब्जा करना इतना आसान है जो एक साथ इतने सारे डॉन ने मुंबई को अपनी रानी बना रखा था? आपकी विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल